नमस्कार, न्यूज 21 में आपका स्वागत है। मैं हूं सरार और आप देख रहे हैं इंडिया अपडेट। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। सागर जिले के बंडा थाने में दो पुलिस आरक्षकों के द्वारा लोगों को जुआ खेलने का मामला सामने आया है। रविवार सोमवार की दरमियानी रात पुलिस को सूचना मिली, बंडा की संजय कॉलोनी में जुआ खिलाया जा रहा है। इसके बाद पुलिस ने मौके पर दबिश दी और मौके पर पहुंचकर 10 जुआरियों को जुआ खेलते पकड़ा। जुआ खेल रहा था वहां आरक्षक प्रवीण जाट और देवेंद्र सिंह किराए से रहते हैं। पुलिस जुआरियों को बंडा थाना लेकर पहुंची और जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई भी की। दोनों आरक्षकों को सागर एसपी ने लाइन अटैच कर दिया है। जिसमें कुछ आरोपी पकड़े गए थे जुआ खेलते हुए, साथ में दो आरक्षकों पर भी आरोप लगाए थे, वो जुआ खिला रहे थे। पूरा मामला क्या मामला? थाना प्रभारी बंडा को ये जानकारी प्राप्त हुई थी कि संजय कॉलोनी में अनिल राय के घर पे जुआ खेला जा रहा है, तो थाना प्रभारी द्वारा जब दबिश दी गई तो उसमें 10 लोग जुआ खेलते हुए पाए गए, जिन पर वैधानिक कार्रवाई की गई। और जो कि आप बोल रहे हैं कि आरक्षक निवास करते थे, तो जानकारी प्राप्त हुई है इस संबंध में, जिसके संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन वरिष्ठ कार्यालय भेजा गया है। अभी तत्काल उनको वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश से लाइन अटैच किया गया है, आगे भी वैधानिक कार्रवाई की। आरक्षकों के नाम क्या? आरक्षक के नाम है, एक का देवेंद्र सिंह और प्रवीण जाट। तो जो जुआरू है उन कुल कितने थे आरोपी? 10 आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई।